हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नामक पाठ के तीसरे भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आप लोगों को बताए थे कि जब अंग्रेजों का यहाँ पे उपनिवेश बढ़ा तो उन्होंने जंगलों पे अनेक प्रकार के कानून बनाए और उन लोगों ने जो है यहाँ के जो देशी रियासत थे उनके राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बड़ी संख्या में जंगली जंतुओं की जो है शिकार किए गए और जो उन क्षेत्रों में रहते थे जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के प्रति जो है उन लोगों ने कड़े कानून बनाए जिससे वो लोग जो है उस कानून के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उस आवाज के द्वारा जो है वह एक विद्रोह हुआ जिसे वन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर जो है जावा के जंगल, जैसे जावा इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में जावा का अधिकांश क्षेत्र बनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया एक डच के लिए लकड़ी प्राप्त करना चाहते थे। यहाँ पे वन प्रबंध की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की भारत डच भी जावा में जहाज बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना चाहते थे और 1600 ईस्वी में जावा की जनसंख्या लगभग 34 लाख थी एवं उपजाऊ मैदानों में गाँव की संख्या बहुत अधिक थी। इसके साथ साथ पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा का जनजाति समाज एवं विद्रोह इंडोनेशिया भी परिचित है। जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। 1775 ईस्वी में जब जावा की माताराम रियासत का बंटवारा हुआ तो वहाँ पे 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांटा गया। राजाओं के महल बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, परंतु कलांग जाति के कुशल लकड़हारों ने इन्हीं महलों के निर्माण हेतु सागाओं की लकड़ी उपलब्ध कराई थी और 18वीं सदी में डच वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही कलांग पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और 1770 में कलांगों ने डचों के किले पर हमला किया और इनका प्रतिरोध किया, परंतु इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं शताब्दी में डचों ने वन कानून कर ग्रामीणों के जंगल पर पहुंचकर इन कई तरह के नियंत्रण स्थापित कर ली दिए। इन कानूनों का उद्देश्य था कि केवल विशेष कार्य जैसे नाव या घर बनाने आज के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से कड़ी निगरानी में लकड़ी काटी जा सकती है। ग्रामीण पशुओं को चलाने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल में गुजरने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी चलाने अथवा जानवरों पर बैठकर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। माने उन्होंने कानून बना दिया कि केवल जो है घरेलू घर बनाने के लिए और नाव बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है और वनों में प्रवेश पे रोक लगा दिया। यूनाइटेड इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्कवान भोजन डार्क ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोगों चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है हमारे बड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकाया नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों को इस बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक एवं व्यापारिक संगठित दलों जिनकी जड़ें इस धरती में धरती हैं छोड़ते हैं। आज जावा के जंगलों में से एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी, मैंने उसने लकड़ी के संदर्भ में कहा कि लकड़ी जो है वह सीमित हो गई है और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत में भी इसी तरह के रेल लाइनों और जहाज निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और 1882 ईस्वी में अकेले जावा से ही
280,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। इसके लिए वहाँ की उपलब्धता की भी आवश्यकता थी और जिससे लट्ठे को ढोने, स्लीपर तैयार करने और पेड़ काटने जैसे कार्य नहीं थे। डटों ने सर्वप्रथम जंगलों में खेती की भूमि पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का कार्य निःशुल्क किया करेंगे। इस व्यवस्था से ब्लैंक डाउन DSM प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, परंतु वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। शामिल की चुनौती 1890 के आसपास में सागौन के जंगलों में स्थित रामदुंग गांव के निवासी सुरोमी को शामिल ने जंगलों पर राजकीय स्वामित्व के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य निर्मित नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं होना हो सकता है। यह तर्क के कारण जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में शामिल का दामाद भी सक्रिय था और 1907 में लगभग 3,000 परिवार इसके विचारों को मानने लगे और डच जब भूमि के अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण करने आए तो शामिलवादियों ने अपनी भूमि पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि कुछ अन्य लोगों ने लगान या जुर्माना आदि भरने या बेगार देने से इनकार कर दिया। युद्ध एवं वन उन्मूलन पहले एवं दूसरे विश्वयुद्ध का वनों एवं अन्य उपनिवेशों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में चल रही सभी कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों के युद्ध संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असंख्य मात्रा में वृक्ष काटे। जावा पर जापानियों के प्रभुत्व के से पूर्व डचों भस्म कर भागो नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के भंडार को जला दिया गया, जिससे वे जापानियों को न मिल सके। इसके बाद जापानियों भस्म कर भागो नीति। जापानियों ने जावा के वन्य जनजातियों को वन काटने के लिए बाध करने और अपने उद्योग के लिए वनों का निर्ममता से विनाश किया, परंतु गांव वालों ने इस अवसर पर लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया और युद्ध के पश्चात इंडोनेशियाई वन सेवा विभाग ने इन जमीनी को वापस हासिल कर पाना एक मुश्किल काम था। भारत को की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उसके बाहर रखने के वन विभाग के नियम के बीच टकराव पैदा हो गया। वानिकी और नए विकास 1980 में के दशक में एशिया और अफ्रीकी सरकारों ने यह लगने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल के बाहर रखने की नीतियों के कारण बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वनों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया था। सरकार ने यह भी मान लिया कि इन लक्ष्य को हासिल करने में इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि मिजोरम से लेकर केरल तक के वन केवल इस कारण बच गए क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों ने सरना, देवराकुरु, काम, राय इत्यादि नामों के पवित्र बगीचा समझ कर उनकी रक्षा की और कुछ गांवों के लोग वन रक्षकों पर निर्भर होने की अपेक्षा उनकी स्वयं पहरेदारी करते हैं, जिससे सभी प्रकार के लोग बारी बारी से अपना योगदान देते हैं। उल्लेखनीय है कि अब स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद वन प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के विषय में सोचने। मैंने इस तरह से वन जो है हम क्या करते हैं, वनों को सुरक्षित करने का हम प्रयास किए। मैंने उपनिवेशी काल में जो है अंग्रेजों ने अपने रेल लाइनों के विस्तार से स्लीपरों के लिए मजबूत लकड़ियों को काटा, उसके बाद में जो है कागज के निर्माण के लिए जंगलों को नष्ट किया, तो बाद में धीरे धीरे जो है उन्होंने कानून भी बनाए, लोगों को जो है उसमें प्रवेश से वंचित कर दिया गया
और बाद में जब उनकी संख्या कम हो गई, लोग जब जनसंख्या बढ़ती गई तो जंगलों को लोग काट कर जो है खेती करने लगे, और खेती इसके साथ जो है जंगल की संख्या निरंतर कम हो मात्रा कम होती गई, जिससे पर्यावरण जो है हमारा असंतुलित होने लगा। और इसको सुधारने के लिए जो है फिर हमने सामाजिक वानिकी नीति को अपनाया, और जिसके कारण जो है तेजी से जंगलों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, माने 19% से आज 21% है, जबकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% भूभाग के वनों का होना आवश्यक है।